हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज की गई है जिस मूवी का नाम है जीटी मैक्स। तो दोस्तों, इस मूवी को मैंने अभी देख के एंड कर लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद क्या मैंने एंजॉय किया या नहीं किया और क्या आप लोगों को अपना कीमती वक्त इस मूवी के ऊपर देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अब मूवी का रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके की होती है कि एक मिशेल नाम का लड़का होता है जो कि एक बाइक रेसर होता है। रेसिंग वाली बाइक होती है ना, जो रैंप पे से जाती है, ये करती है डस्ट वाली वाली बाइक रेसिंग जो है ना, वो करता है। लेकिन इनका जो है ना, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जो है पीछे से ज़रा हिला हुआ होता है, मतलब इनकी फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हर हाल में वो मैच जीतना होता है जो ये रेस लगाता है। और इसके साथ ही इसकी एक बहन होती है जो पहले भी जो है प्रोफेशनल एक जो है वो रेसर होती है, लेकिन फिर उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक हादसा होता है जिसकी वजह से वो ये चीज़ें छोड़ देती है और वो अपने बाइक की कोच बन जाती है, जो कि वो उसको सिखाती है कि बाइक बाइक इस तरीके से करनी चाहिए, इस तरह से ड्रिफ्ट करनी चाहिए, इस तरीके से जंप करनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें उसको सिखाती है। और ये मकैनिक भी होती है बहुत ज़बरदस्त बाइक की। तो बस दोस्तों, मैंने आपको बताया जैसे कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो पैसे के हिसाब से फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो एक बंदा होता है, अब मैंने जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई ये तो धूम फोड़ निकली, तो वो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि कुछ लोग होते हैं जो गुंडे होते हैं वो बाइक पे रॉबरी करते हैं, बाइक पे डकैती वगैरह मारते हैं और उनके पीछे एक पुलिस वाला लगा हुआ होता है। तो ये जो मेन बंदा होता है जो बाइक पे डकैती वगैरह मरवाता है, इसका नाम होता है इलियास, ठीक है, ये मरता है डकैती वगैरह। तो इसको कुछ बंदे चाहिए होते हैं जो इसकी बाइक की रिपेयरिंग भी कर सकें और जो है वो डकैती मारने भी जाए, मतलब वारदात करने भी जाए बाइक के अंदर, क्योंकि उसके कुछ मसला होता है। तो बस वो किस तरीके से इन दोनों भाई बहन को उसमें फंसाता है, उसके बाद ये दोनों भाई बहन उसमें जो फंस जाते हैं पैसे के लालच में, भी कैसे वहाँ से निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों आपको इस मूवी के अंदर। लेकिन दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी जब आप देखेंगे तो आपको हर नेक्स्ट लम्हा अगला लम्हा ये लगेगा कि यार अब ये हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या ये पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, पुलिस वाला भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, और एंड में इनका क्या होगा, क्योंकि इनके फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो ऐसा, तो आप लोगों को दिल लगेगा कि यार इनका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो सही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी के अंदर जो भी कैरेक्टर दिखाया गया है बहुत अच्छा दिखाया गया है। मैं तो बस ज़्यादा दोस्तों अपने रिव्यू के अंदर कैरेक्टर और स्क्रीन प्ले की इतनी बातें नहीं करता, बस मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि मूवी अच्छी है या नहीं है या क्या स्टोरी का प्लॉट है, क्योंकि मैं कोई डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन तो हो ही नहीं, या मार्वल का बड़ा डायरेक्टर, या जो है ना वो जैक स्नाइडर, तो उन्होंने डीसी का जो बताऊंगा भाई हाँ अच्छा अच्छा किरदार किया, ये क्या काम, सबों ने अपना अच्छा काम किया है। लेकिन मूवी की स्टोरी जो है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब जब आप मूवी को देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, मेरा तो इस मूवी को लेकर रिव्यू पॉजिटिव है, अभी तक इसकी आईएमडीबी की जो ऑफिशियल रेटिंग है वो आई नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस मूवी को कितनी रेटिंग दूंगा, तो दोस्तों मैं इस मूवी को दूंगा 10 out of 6.5 स्टार दूंगा, यानी मेरे हिसाब से एक अच्छी नॉर्मल सी मूवी है जिसको आप वन टाइम वॉच कर सकते हो और वन टाइम वॉच करने में आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा तो इसको इस मूवी को लेकर रिव्यू जो है वो पॉजिटिव। आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक कंप्लेन है कि आप लोग क्या लाइक नहीं करते, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आप जब लाइक करोगे ना तो मेरी वीडियो और लोगों के पास भी जाएगी। तो आपके एक लाइक बटन दबाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा एक लाइक बटन देखने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना ये मूवीज़ देखता किसके लिए, आपके लिए, ताकि मैं जैसी भी मूवी अच्छी है बुरी उसको पहले झेल के आप तक डिलीवर करूँ कि हाँ भाई ये मूवी अच्छी है, इसको आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।